हाँ जी बच्चों, टेंथ स्टैंडर्ड वंस अगेन यू आर वेलकम टू द सेम प्लेटफॉर्म सिल्वर वेल्स ई लर्निंग ऐप। जिस ऐप के थ्रू अब तक आपने स्टडीज़ की हैं और बाकी स्टडीज़ भी कंटिन्यू हैं, वन बाय वन करके, धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स हमने फिनिश कर दिए। तीन चैप्टर्स लगभग हमारे सिलेबस में बाकी हैं, जिसमें से एक चैप्टर आपके बोर्ड पर नज़र आ रहा है। ठीक है, दिस इज चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो, पहले तो ये कंप्लेन करना छोड़ दो कि सर वीडियो लेक्चर में कम समझ में आ रहा है। वीडियो लेक्चर में बराबर समझ में आता है, आप समझते नहीं, समझना नहीं चाहते हो, सिर्फ एक हवा में जा रहे हो कि वहाँ लाइव क्लासेस आ रही है तो हमें भी लाइव क्लासेस करनी चाहिए। क्यों भाई, लाइव क्लासेस में आपकी कनेक्टिविटी बराबर नहीं आई है और हमने लाइव क्लास यहाँ से ले दी, और जो एक बार हमने बोल दिया वो रिपीट तो नहीं कर सकते। एंड लाइव क्लास इज ओवर, कितना समझ में आया। हाँ, लाइव क्लासेस सपोर्टिव हैं, होंगी, होनी चाहिए, और इन बिटवीन में लूँगा भी, लेकिन वीडियो लेक्चर्स अगेन एंड अगेन रिमाइंड करके आप उसको अगर जाओगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी बिटवीन मी एंड यू, बिटवीन योर सब्जेक्ट टीचर एंड यू। तो वीडियो लेक्चर्स को पहले ध्यान से देखना सीखो। आपके नंबर ऑफ व्यूज बताते हैं कि आप वीडियो लेक्चर देखते ही नहीं हो, समझ में तो बाद में आएगा। ठीक है, तो कंप्लेंस आपकी अपनी जगह सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन पहले आप सही होना सीखो। वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखो, जो नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ऑलरेडी सारे चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, उसको प्रॉपर वे में जाओ। हाँ, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इस मैथ्स में समझ में नहीं आ रहा तो मैथ्स को एक बार आ जाओ, पूछो। या आपका जो साइंस का व्हाट्सएप ग्रुप बना है, मैथ्स का व्हाट्सएप ग्रुप बना है, सब्जेक्ट्स के डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, उसमें जाके पूछो, झाँक के देखो ना कंप्लेन करने से पहले कि व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी तरफ से कितने डाउट्स आए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट्स आपके आते ही नहीं है, बहुत सेलेक्टेड बच्चों के डाउट्स आते हैं, वो हम सॉल्व कर देते हैं। जब तक व्हाट्सएप ग्रुप में डाउट्स नहीं आएंगे, हमें कैसे पता चलेगा आपको कोई चीज क्लियर नहीं हुई है। डोंट गो इन द एयर, ठीक है, मुझे तब समझ में आएगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में जब डाउट्स आएंगे तो मुझे समझ में आएगा आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू जा रहे हो, अदरवाइज सब यूजलेस है। डोंट कंप्लेन, कंप्लेन करो इफ यू आर जेन्यून, और अंडर एस्टिमेट मत करो। आपके स्कूल टीचर्स को यूट्यूबर से कंपेयर करोगे देन यू आर ऑन लॉस। यूट्यूबर सबके लिए वीडियो बना रहे हैं, हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, वी आर नॉट मेकिंग द वीडियोज फॉर ऑल, सो डोंट कंपेयर अस विद यूट्यूबर्स। एंड इन फैक्ट यूट्यूबर से आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो, आप यहाँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जो वीडियो जा रहे हैं उससे कंपेयर कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हो, स्कूल में इंडिविजुअली आके पूछ सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है इसीलिए, सो मिनिमाइज योर कंप्लेंट्स, मैक्सिमाइज योर स्किल, आपकी स्किल को मैक्सिमाइज करो और वीडियो लेक्चर्स प्रॉपर देखो। देखो चलो अभी स्टार्ट करेंगे, लेक्चरबाजी बहुत हो गई, ज्यादा की जरूरत नहीं है। कम टू द मेन स्क्रीन, चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस चैप्टर में सब कुछ इंक्लूडेड है, केवल ये पोर्शन छोड़ के, डोंट बी कंफ्यूज, पूरा चैप्टर कवर्ड है। IUPAC नोमेनक्लेचर और इसके ग्रुप्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन, कार्बन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से कुछ पार्ट गायब है, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, केवल ये चार टॉपिक्स है। एक छोटा सा पोर्शन डिफरेंसेस बिटवीन एल्केन एंड एल्कीन, हाइड्रोकार्बन्स के बीच में डिफरेंस, वो गायब है, लेकिन हाइड्रोकार्बन्स गायब नहीं है। जब आप हाइड्रोकार्बन्स खुद से पढ़ लोगे तो डिफरेंसेस अपने आप क्रिएट हो जाएंगे, इसलिए मैंने वो टॉपिक यहाँ इंक्लूड नहीं किया है। तो ये चार टॉपिक्स हैं जो आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ने हैं, बाकी सारा चैप्टर है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, नया चैप्टर है, अपना ब्रेन बिल्कुल जीरो कर लो। सपोज पीछे कुछ याद नहीं है आपको, सब भूल गई, नया चैप्टर है, नए सिरे से शुरुआत करो इस चैप्टर की और फिर देखो मजा। वन बाई वन सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके। बस द थिंग इज दिस, पे योर अटेंशन और कम से कम लेक्चर्स को दो चार बार देखो,
आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब बात करते हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कार्बन? कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स उनमें से एक चीज है कार्बन, जिसका सिंबल है C। इसका एटॉमिक नंबर यह है 6। एटॉमिक मास 12। दैट मीन्स इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं। ये क्लियर हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। नाउ पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पहले शेल में 2, दूसरे में 4, हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 2 एंड 4। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में यहां पे बना देता हूं, यह है कार्बन का न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन 1 एंड 2, सेकंड में 1 2 3 4, ये हो गया जी एटॉमिक स्ट्रक्चर। बिल्कुल बेसिक चीज दे रहा हूं, इसलिए मैंने बोला था आपने ब्रेन को जीरो कर लो और यहां से स्टार्ट करो रिफ्रेश करके। कुछ पता नहीं है तो आज की डेट से यहां से शुरू कर दो, आपको सब चीजें पता चल जाएंगी अबाउट दिस चैप्टर। कार्बन एक एलिमेंट है, हमने इसको मेटल्स में इंक्लूड किया नहीं है, नॉन मेटल्स भी बोलते नहीं है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका 6 है, एटॉमिक मास 12 हुआ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 एंड 4, ये उसके बेस पे हमने इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बता दिया। दैट्स व्हाई इसकी वैलेंसी हो गई 4। ये हुआ बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कार्बन। सब डिटेल्स होती है ना, तो ये कुंडली हो गई कार्बन की। अब बात करते हैं इसकी अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी कितनी है कार्बन की, यही क्लियर करा देता हूं। अर्थ क्रस्ट में मिलेगा 4, अवेलेबिलिटी में ऊपर लेके आता हूं आपके लिए। ये चीजें क्लियर हो गई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाले में। कार्बन की हमें डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखनी है, तो इसमें से अभी तक हमने देखा कि कार्बन है क्या, इसकी जन्म कुंडली बनाई अभी। अब ये बात करते हैं कि ये मिलता कहाँ है। अवेलेबिलिटी की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में मिलेगा, ये है 0.02% इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, ठीक है। फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। चलो एटसेट्रा में LPG, CNG, कार्बोनेट के फॉर्म में CO3, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में HCO3, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जैसे सोडियम कार्बोनेट NaHCO3, इस सब फॉर्म में कार्बन हमें अर्थ क्रस्ट में मिल रहा है, जमीन की लेयर्स में मिल रहा है। कोल ये भी वहीं से मिलेगा, ठीक है। एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में 0.03% इन द फॉर्म ऑफ CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड जमीन के अंदर मिलेगी, हो सकता मिल जाए, लेकिन एटमॉस्फेयर में भी मिलेगी, एंड सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इनमें भी कार्बन है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड हो गए हैं उनमें भी कार्बन है। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड ऑर्गेनिज्म एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिजम्स, इनमें भी कार्बन है, ये सब एटमॉस्फेयर में मिलेगा। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड एंड डिकम्पोजिंग, प्लस ये CO2। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे, भाई ग्लूकोज है हमारी बॉडी में, C6H12O6, हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, बस खत्म काम, हमारे अंदर कार्बन है, वही चीज तो डेड है और वही डिकम्पोज हो रही है, इतना ही बहुत है। तो ये इसकी अवेलेबिलिटी हुई, कहाँ कहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है और किस किस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है, और प्लांट्स में है तो पेपर, क्लॉथ्स, प्लास्टिक्स, और बहुत सारी चीज़ें, ना जाने क्या क्या, कुछ नाम लेके तो देखो, आपको कार्बन ज़रूर मिल जाएगा। लिविंग थिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ लेके तो देखो, वहाँ सब जगह कार्बन मिल जाएगा। अब देखो कार्बन की ब्यूटिफिकेशन, कार्बन कितना सुंदर है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, कार्बन क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो अब मैंने वैलेंसी आपको दिखा दी थी, कार्बन की वैलेंसी कितनी थी, 4, यानी कार्बन को अगर हम सेंटर में रखें, इसकी 4 वैलेंसी है, इसके 4 हाथ बना दो, वैलेंसी 1, वैलेंसी 2, वैलेंसी 3, वैलेंसी 4, तो कार्बन की 4 डिफरेंट वैलेंसीज होंगी। अब देखिए कार्बन क्या करेगा, अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड करेगा तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, क्या बना देगा, CH4। इसके स्ट्रक्चर जरा देखो, शक्ल देखो, 4 हाथ है, चारों तरफ हाइड्रोजन चिपका दो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी भी साथ में लिख देता हूँ, इसकी 1 है, कार्बन इसकी 2 है, इसकी तो 4 है ही है, तो क्या बना देगा, CO2। ये देखो कार्बन 2 हाथ से ऑक्सीजन को यहाँ पकड़ा, 2 हाथ से यहाँ पकड़ा, ऑक्सीजन बन गया, ठीक है। इस वे में जो ये पकड़ने की कैपेसिटी है, ये जो हमने स्ट्रेट लाइन खींची है, इसको बोलते हैं बॉन्ड, कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। अब समझो ये बनेगा कैसे, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होगा, ये देखते हैं। तो व्हाट आर द कोवेलेंट बॉन्ड, अल्टीमेटली मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड बताना चाह रहा था कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, एंड कार्बन कांट गिव इलेक्ट्रॉन और कैन नॉट गिव कैनॉट रिसीव द इलेक्ट्रॉन, यानी या तो ना तो ये दे सकता है ना ही रिसीव करेगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। अभी देखो सपोज ये कार्बन का न्यूक्लियस, इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, इसके बाहर कितने हैं, ये क्या है, ये सर इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 प्रोटॉन्स आर पुलिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्यों, क्योंकि ये प्लस चार्ज होता है और ये माइनस चार्ज आता है, तो 6 प्लस चार्ज आर अट्रैक्टिंग 6 माइनस चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये 6 प्रोटॉन्स, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, इसीलिए तो कार्बन जुड़ा हुआ यहीं पे रुका हुआ है, अदरवाइज ये एक दूसरे को पुल नहीं कर रहे, तो कार्बन एटम की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, किसी भी एटम की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। तो कार्बन में आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स देना शुरू करेगा, चारों इलेक्ट्रॉन्स दे देगा,
चलो चार इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, अंदर कितना हो गया? अंदर तो छह प्रोटॉन्स है, तो छह प्रोटॉन्स चार केवल दो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। अब अगर इसने चारों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए तो छह इलेक्ट्रॉन्स इनको खींचेंगे, तो क्या हो गया, ये अंदर नहीं आ जाएंगे, इसके सेंटर में गिर जाएंगे, तो इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी। इसलिए ना तो कार्बन चारों इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है ना ही चारों इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, और फिर भी ये सबसे ज्यादा एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड है, सबसे ज्यादा एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है। अभी अवेलेबिलिटी बताई थी कहाँ कहाँ मौजूद है, कहाँ नहीं मौजूद है वो बोलो। क्या बोला था कि अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन कहाँ कहाँ मौजूद है, हम तो ये बोलते हैं कहाँ नहीं मौजूद है, सब जगह तो है, कपड़े में है, खाने में है, हमारी बॉडी में है, एयर में है, सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, हमारे ब्लड में है, प्लांट्स में है, सब जगह तो है, अर्थ क्रस्ट में भी है, लिविंग में भी है, नॉन लिविंग में भी है, डेड में भी है, सब जगह तो कार्बन है। यानी कार्बन वो भी फ्री फॉर्म में कम है, कंबाइंड फॉर्म में ज़्यादा है। कार्बोनेट CO3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ग्लूकोज C6H12O6, हर जगह तो कार्बन है, दैट इज अटैच्ड विद अनदर एलिमेंट्स C6H12O6, जो बेसिक चीज है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अटैच है, CO2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है, CH4 मीथेन हाइड्रोजन के साथ अटैच है, हर जगह तो है। अब ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, फिर भी हर जगह मौजूद है, इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न शेयर करेगा न डोनेट करेगा न रिसीव करेगा, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। सो कार्बन मेक्स ए बॉन्ड विद सम अदर एलिमेंट्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स ए बॉन्ड कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बनाया है कार्बन ने, या कुछ भी रख दो, सपोज हाइड्रोजन रख दिया, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किया है, लेकिन कार्बन को फोर ऐसे हाइड्रोजन चाहिए, क्योंकि इसकी वैलेंसी फोर है। तो कार्बन 1 1 1 1 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन सबके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, और सभी के साथ एक एक बॉन्ड बनाया है, इस बॉन्ड को बोला है कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा? बाय शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज द थिंग, कोवेलेंट एंड कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये क्या बना? सी एक है, एच चार है, तो अब ये जो कंपाउंड बना है मीथेन, इसका नाम मीथेन है, जो कंपाउंड बना है इसको बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से बना है, इसलिए बोलेंगे इसको कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स। याद होगा पिछली बार मैंने NaCl पढ़ाया था, Na ने एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे दिया था, Na के पास आया था प्लस, Cl के पास आया था माइनस, तो ये क्या था? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन की। सो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड में समझ में डिफरेंस आया? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट
बॉन्ड एंड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी ज्यादा जोश आ गया था। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे कैसे, किस किस कंपाउंड के बीच में कैसे कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उसको जरा देख लें। इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस समझ में आ गया। अब एक चीज और, यही कि यही मैं आपको क्लियर कर दूं, कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज देखो कैसे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्यों इनको इतनी तवज्जो दे रहे हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड इट्स कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, यानी कोवेलेंट बॉन्ड जो अभी हमने बनाया और कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जो कंपाउंड्स बनेंगे इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी। पहली बात तो ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड वीक बॉन्ड होंगे, स्ट्रांग नहीं होंगे, क्योंकि शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन से बन रही है। और यार जब साझेदारी होती है ना तो कभी ना कभी, ठीक है, सो दीज आर वीक बॉन्ड बिटवीन एलिमेंट्स या एटम्स, एटम्स लिखते हैं, दीज आर द वीक बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। यानी किसके कंपैरिजन में कंपेयर कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में। एक बार दे दिया तो दे दिया, कंपाउंड बना लिया, खत्म का, ठीक है, इसमें दिया नहीं है, शेयर किया हुआ तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा। सेकेंड, वीक बॉन्ड बिटवीन एटम्स। सेकेंड इसकी बात करें, अगर बॉन्ड वीक है तो मेल्टिंग पॉइंट, पूरा लिखूं क्या, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी लो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। अब अगर कोई क्वेश्चन ये पूछे कि कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्यों, क्योंकि डन, दैट मीन्स CO2 में NaCl के कंपैरिजन में, CO2 में NaCl के कंपैरिजन में मेल्टिंग पॉइंट कम है बिकॉज ऑफ वीक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। डन, चलिए दूसरी, दीज हैव पुअर कंडक्टर, दैट मीन्स दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये बता चुका हूं क्यों, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते अच्छे क्यों हैं, उनमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्यों होती, बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और हमारे कार्बन ने तो सारे शेयर कर दिए, फ्री तो कुछ बचा ही नहीं है उसके पास, ये कार्बन है, एक दो तीन चार, चारों तरफ शेयर कर दिए, अब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ नो फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, समझ में आया। एक प्रॉपर्टी और है इसकी, दीज आर हाईली वॉलेटाइल इन नेचर, हाईली वॉलेटाइल इन नेचर, बहुत वॉलेटाइल है नेचर में, ठीक है। वॉलेटाइल का मतलब सैनिटाइजर बहुत मिल रहा है आजकल मार्केट में, उससे जब हाथ रब करते हैं हाथ ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, पेट्रोल डालो ना, सैनिटाइजर क्यों डाल रहे हो,
ठंडा करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए नहीं। पेट्रोल अगर हाथ पे डाले तो भी हाथ ठंडा हो जाएगा, डीओ वो डाले तो भी ठंडा हो जाएगा, घर के गैस के बाटले में गैस निकलती है वो भी ठंडी होती है, चलो वो तो कंप्रेस्ड होती है इसलिए ठंडी होती है, कोई बात नहीं, स्पिरिट, नेल पेंट रिमूवर, तो ऐसे सारे के सारे लिक्विड्स वॉलेटाइल होते हैं, यानी कि ऐसे लिक्विड्स जो जल्दी से इवेपोरेट हो जाए। द टाइप्स ऑफ लिक्विड विच आर इवेपोरेट वेरी इजीली, उनको हम वॉलेटाइल नेचर के लिक्विड्स बोलते हैं। तो ये मेन प्रॉपर्टीज हैं। एक बार और देखने तो कुछ बचा तो नहीं, चलिए ये मेजर प्रॉपर्टीज हुई कोवेलेंट बॉन्ड की एंड कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड की। कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जांपल्स थोड़े से दे देता हूं मैं, CH4 CO2 H2 O2 N2 P4 S8 और तो बहुत है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर, यानी P4 पी टेट्रावेलेंट है, S8 एस ऑक्टावेलेंट है, ये सारे बाईवेलेंट हैं, ठीक है। अब इन सब की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेंगे, वो हम नेक्स्ट टाइम में इसके डेप्थ में जाएंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी कैसे, और ये हमारी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले आप बिल्कुल क्लियर कट ये समझ गए कि कार्बन के चार हाथ होते हैं और चारों हाथ से वो एक एक चीज पकड़कर रखने की कोशिश करता है। कार्बन के चार वैलेंसी होती है और वो चार की चारों वैलेंसी किसी न किसी दूसरे एटम के साथ अटैच होती है। दैट्स वाई कार्बन सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। और कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, जहां भी कार्बन होगा वहां पर हम ऑर्गेनिक पार्ट शुरू करेंगे। कार्बन हर जगह मिलेगा, ये ना पूछो कहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है, नेचर में मिलेगा, एटमॉस्फेयर में, लिविंग में मिलेगा, डेड में मिलेगा, डिकम्पोजिंग में मिलेगा, और अर्थ की क्रस्ट में भी मिलेगा, अर्थ के अंदर भी मिलेगा, अर्थ की सरफेस पे भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा, ठीक है जी। कार्बन के लिए आज इतना ही है, नेक्स्ट टाइम में हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। पढ़ लो बच्चों, एग्जाम बहुत नज़दीक हैं, आने वाले हैं, जितना बता रहा हूँ इससे रिलेटेड टेस्ट भी लूँगा, इसलिए अब कोताही नहीं बरतेंगे। एक चीज़ और, मार्केट में सैंपल पेपर आ गए, एक एक सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो, एक एक सैंपल पेपर सॉल्व करना शुरू कर दो, जो डाउट्स हैं रिटन में, रिटन फॉर्म में एक एक सैंपल आपको करना है, एक नोटबुक बना लो सैंपल पेपर सॉल्व करने के लिए, सारे सैंपल पेपर उसी में सॉल्व करना है, और कुछ नहीं करना उस नोटबुक में, और कुछ नहीं करना, बाकी तो बहुत कुछ करना है उस नोटबुक में, और कुछ नहीं करना उस नोटबुक में, केवल सैंपल पेपर सॉल्व करके कलेक्ट करके रखने हैं और याद भी करना है, क्योंकि पेंडेमिक कोरोना की वजह से ज़्यादा पढ़ाया तो है नहीं, गवर्नमेंट ऐसा सोचती होगी, मैं तो नहीं सोचता, मैं तो खूब पढ़ा, इसलिए हो सकता है सैंपल पेपर्स में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिल जाए सैंपल पेपर्स में से। रेस्ट जितने मैं पेपर दे रहा हूं आपको, इनको जरूर करते रहना, ऐसे वन का जो पेपर है उसका एक एक आंसर जितना लिखा है उतना याद भी कर लेना, बहुत बढ़िया लिखा सबने, भरपूर यूज किया आपकी सुविधाओं का, नेट का, टेक्स्ट बुक का, गाइड का, डाइजेस्ट का, और अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप का, मुझे सब पता है कॉपीज में जो लिखा है, ठीक है। जिसको ए बनाना नहीं आता है, प्रॉपर ए नहीं बना सकता, वो एप्पल की स्पेलिंग लिख रहा है, एरोप्लेन में उड़ रहा है, एस्ट्रोनॉट बना घूम रहा है, समझ गए ना,
तो यहां सब पता बेटा, इसलिए जितना लिखा है ऐसे वन के पेपर में वो सारा याद कर लेना, वन बाय वन बुला के इंटरनल असिस्टेंट उसके वाइवा के हिसाब से ही दूंगा। चलो जी, ये छोटे से इंस्ट्रक्शंस थे, आज इंस्ट्रक्शन ज्यादा हो गए, कंटेंट कम, इसलिए नया लेक्चर जल्दी आ जाएगा, हो सकता है कल ही मिल जाए आपको। ये चैप्टर रिवाइज कर लो इतना पार्ट, नए लेक्चर के लिए तैयार हो जाओ और बेल्ट बांध लो फ्लाइट के लिए। गुड बाय।